Hello everyone, welcome back. I welcome you all to India's largest learning platform, Unacademy. Let's crack UGC, NTA, NET examination through Unacademy platform. My dear friends, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मास मीडिया एंड सोसाइटी इससे रिलेटेड है. मास मीडिया का क्या रोल है सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, एडुकेट करने के लिए, एज वेल एज डायरेक्ट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, इन चीजों के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ हम देखेंगे मेरे फ्रेंड्स. आज मास मीडिया क्या होता है, मास कम्युनिकेशन क्या है, पब्लिक कम्युनिकेशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसका छोटा सा ब्रीफ देखेंगे आज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, I request each and everybody who are watching this video to please like the video. Please like the video. What we are expecting is your likes. We are getting very good views. Your likes and your good comments we are expecting, my dear friend. This will definitely motivate us. We will upload many more videos for you in your coming days, my dear friends. So this is all about. Let's start today's concept. Before starting today's concept, that is mass media and society, which is very important part of chapter 4 communication, which is useful for various examinations like NET and SET. I request each and everyone to please download Unacademy app. Please follow my profile. I am Dr. Ahmad Basha Sheikh. This is my small brief, my dear friends. I got my PhD award I have received in management. I am Dr. Ahmad Basha, PhD awarded in management. I am Jammu alumni. So UGC NET JRF 5 plus post graduations. I have 14 years of teaching training, research experience. My deal karta hu paper 1, saath hi saath management and commerce related papers also. My dear friends, ye sare videos jo aap dekh rahe ho YouTube mein aur bahut sare free videos hai my dear friends, ye sab unstructured videos. यानी इन सब वीडियोस में आपको मिल जाएगा कंटेंट, बट द ओनली थिंग इज नॉट अप टू द मार्क टू अचीव नेट एग्जामिनेशन विद जेआरएफ. ये हो गया एक, अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए अनलिमिटेड एक्सेस के साथ, वीकली टेस्ट्स, लाइव क्लासेस, आपको लेना होगा हमारा सब्सक्रिप्शन जिसे कहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इन दोनों का बेनिफिट क्या है, इन दोनों के एडवांटेजेस क्या है, हम करेंगे कंपेयर इधर. देखिए पहले हम जाएंगे इन दोनों के पैकेजेस. ये हो गए प्लस के पैकेजेस जो शुरू होते हैं 3 मंथ से, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ. आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड आप अगर फर्स्ट टाइम प्रिपेयर हो रहे हो एग्जामिनेशन से, एग्जामिनेशन को, नेट एग्जामिनेशन को, माई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा यू गो फॉर 24 मंथ और एल्स 12 मंथ मिनिमम. अगर आप भाषा यूज करेंगे कोड, रेफरल कोड BASHA, तो आपको मिलेगा 10% फ्लैट डिस्काउंट. ये हो गए प्लस सब्सक्रिप्शन, ये हो गया प्लस का एडवांस्ड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे ये हो गया एक मोबाइल सेटअप, इस तरह का सेटअप आएगा आपके मोबाइल फोन में. आपके पास कई सारे बेनिफिट्स है, नो कॉस्ट ईएमआई फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल. अगर आपके पास सेलेक्टेड डेबिट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, तो आप ले सकते हो नो कॉस्ट ईएमआई. तो आपको अराउंड 800 रुपीज लगेगा माय डियर फ्रेंड्स. अगर आप डिस्काउंट भी यूज करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कई सारे बेनिफिट्स है प्लस के आइकॉनिक के. ये हो गए कंप्लीट प्लस के आइकॉनिक के बेनिफिट्स. लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, शेड्यूल्ड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्ड कोर्स दोनों में भी मिल जाएंगे, और आइकॉनिक में उससे प्लस एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. पर्सनल कोर्स, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस भी मिल जाएंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, SOP, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, कई सारे मिल जाएंगे. हो गए आइकॉनिक. स्पेशल क्लास फीचर्स देखिए, इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस, पोल्स फॉर द लर्नर्स, राइज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस. माय डियर फ्रेंड्स, हमारे कोर्सेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, आप एनरोल हो चुके हो. यू कैन यूटिलाइज दीज कोर्सेस एज वेल एज, अगर आपको इस वीडियो में कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नजर आता हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उधर फॉर्म फिलअप करके आप रिपोर्ट कर सकती हो और प्राइज भी विन हो सकते हो. माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल. रेगुलरली आपको हम भेजेंगे अपडेट्स. ये अपडेट्स आपको यूज आएंगे माय डियर फ्रेंड्स इन योर फ्यूचर regarding NET examination 2022, which is going to be very important in the upcoming days. चलिए, mass media का मतलब क्या है? Mass media में mass communication का मतलब क्या है? Mass journalism, मतलब mass media का रोल क्या होता है society में? Mass communication, public announcements, public communication क्या होता है? इसके बारे में हम आप discuss करेंगे, my dear friends. Just I want to know that is my voice clear all of you? हैप्पी होली, हैप्पी होली, आप सबको भी हैप्पी होली. थैंक यू वेरी मच.
Is my voice clear? ओके देखिए मास का मतलब क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल मास का मतलब क्या है. मास का मतलब होता है लार्ज स्केल. मास का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी. मास का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल. देखिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल को आपका मैसेज आपका कम्युनिकेशन किस तरह पहुंचाना है यह होता है मास मीडिया. मेरे फ्रेंड इसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन. आप एक सिंगल मैसेज को एक मीडियम से लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक वो मैसेज को रीच करने का एक प्लेटफॉर्म होता है मास मीडिया. चलिए मेरी डियर फ्रेंड्स मास मीडिया के जितने भी एग्जांपल्स है उसमें एक एग्जांपल हो गया प्रिंट मीडिया. एक एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. एक जबरदस्त एग्जांपल हो गया डिजिटल मीडिया यानी सोशल मीडिया. मेरी डियर फ्रेंड्स एक मैसेज रीच हो रहा है पूरे देश भर पूरे विश्व भर. एक मैसेज जा रहा है पूरे देश भर पूरे विश्व भर वेरी वेरी क्विक स्पैन ऑफ टाइम. इसको कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स मास मीडिया. चलिए इसका अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो पहला वाला देखिए माय डियर फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट मास मीडिया हियर मींस कम्युनिकेशन थ्रू ए नंबर ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मोड सच एज प्रिंट मीडिया. जो न्यूज़पेपर होता है उसको प्रिंट मीडिया कह सकते हैं हम. इन द सेम मैनर ऑडियो रेडियो से कर सकते हैं हम. विजुअलाइजेशन से कोडिंग से कर सकते हैं. ऑडियो विजुअल जनरली होता है वीडियो मोड माय डियर फ्रेंड्स जिसमें ऑडियो भी होता है वीडियो भी होता है. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स टू गेट जनरल मास ऑफ कॉमन पर्संस इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट्स और सोशल स्टेटस एक्सेट्रा. So the main intention is to send a message to large number of people, whoever they are. उनका level क्या है उनका background क्या है socio economic background क्या है इससे हमको मतलब नहीं है. हमको पहुंचाना है message large number of people. यानी 10 लोग नहीं 100 लोग नहीं लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ इतने सारे लोगों को पहुंचाना है हमारा मैसेज. तो ये मोड में हम यूज करेंगे प्रिंट मीडिया और हम यूज करेंगे सिर्फ ऑडियो वाला एक मैसेज. हम यूज करेंगे एक वीडियो जिसमें ऑडियो भी आ जाएगा. हम यूज करेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट. ये यूज करके हम भेजेंगे लार्ज नंबर ऑफ पीपल. इसको कहते हैं मास मीडिया. अगर हम प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स 2020, 2021 अगर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स मास कम्युनिकेशन के ऊपर पब्लिक कम्युनिकेशन के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछा गया है माय डियर फ्रेंड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मास कम्युनिकेशन क्या होता है पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है उनका डिफरेंस क्या है. इन मास कम्युनिकेशन भी हो या पब्लिक कम्युनिकेशन भी हो हमारा मकसद है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मैसेज भेजना. अगर एक सिलेक्टेड पब्लिक को ही मैसेज भेजेंगे वो भी नंबर लार्ज होगा उसको कहते हैं हम पब्लिक कम्युनिकेशन माय डियर फ्रेंड्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए माय डियर फ्रेंड्स ये हो गया एक सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मास मीडिया. नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे मास मीडिया इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंटेड डेली न्यूज़पेपर्स. देखिए प्रिंटेड डेली न्यूज़पेपर्स इससे भी हम हमारा मैसेज रीच करवाएंगे करोड़ों लोगों को. वीकली फोर्टनाइट यानी 15 दिन के एक बार मंथली मैगजीन्स ब्रॉडकास्टिंग लाइव ब्रॉडकास्टिंग जो होता है रेडियो जो होता है टेलीकास्टिंग ओवर टेलीविजन एंड नंबर ऑफ अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑडियो वीडियो एडवर्टाइजमेंट्स विजुअल कम्युनिकेशन सच एज ऑडियो कैसेट्स वीडियो टेप्स कॉम्पैक्ट डिस्क और रिकॉर्डेड वीडियोज ऑल दीज थिंग्स आर द वेरियस फॉर्म्स of mass media my dear friend. This is a very important concept. So finally mass media ka matlab kya hota hai aap ek message ko bhej rahe ho large scale of people large number of people through a medium. agar aap ye medium telephone se karenge to nahi ho sakega. agar ye medium aap 10 100 logon ko karenge to nahi ho sakega. iska ek separate platform
होना जरूरी है। उस प्लेटफॉर्म से आप रीच करवाएंगे आपके मैसेज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसका इंपैक्ट जो है, मास मीडिया का जो इंपैक्ट होता है वो सोसाइटी पे, यानी उन लार्ज स्केल पीपल पे किस तरह पड़ने वाला है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, रोल ऑफ मास मीडिया इन सोसाइटी और एल्स इंपैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर मास मीडिया का इंपैक्ट किस तरह होता है। देखिए, मीडिया एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सच दिखाना चाहिए। मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों के यानी पब्लिक के पक्ष में बात करना चाहिए। ये होता है मीडिया, माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये मीडिया अपना कर्तव्य प्रॉपर से ना कर सके तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक रॉन्ग न्यूज स्प्रेड होता है मार्केट में, सोसाइटी में। इसका जो जहर होता है वो लोगों के दिलों में बैठता है, साइकोलॉजिकली उनको हर्ट करता है, बिहेवियर चेंज होता है, लोगों के रिलेशनशिप मार खाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यू रिमेंबर, देखिए, सब मिलके आगे बढ़ेंगे तो ही सोसाइटी का और देश का डेवलपमेंट होगा। अगर इधर मीडिया अपना रोल प्रॉपरली ना कर सका तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका इंपैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे। सोसाइटी में जब इंपैक्ट पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये दोनों के बीच में आएंगे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ओके माय डियर फ्रेंड, चलिए, मास मीडिया प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रोल ऑफ मास मीडिया ऑन सोसाइटी। मास मीडिया कैन इंस्ट्रक्ट पीपल, कैन एजुकेट पीपल एंड एजुकेट वेरियस मासेस, empower various masses with facts, with statistics, projects like educational television, projects like Gnan Darshan। देखिए, ये सब कई सारे ऐसे programs है my dear friends जिनसे लोग सीखे है education, जिनसे लोग proper format में सीखे है my dear friends। ये होता है mass media का role। इतने सारे digital initiatives अगर आप check करेंगे जिसमें rural people के लिए, जो रूरल इंडिया में रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो जो गांव में रहते हैं उनका, उनको इंटरनेट यूज करना कितना डिफिकल्ट होगा। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे क्लास सुनने के लिए, दे टोल्ड दैट सर वी यूज्ड टू ट्रैवल 2-3 किलोमीटर्स टू लिसन योर क्लास, और हम एक जगह बैठकर आपका नोट्स लिखते हैं सर, गांव से 2-3 किलोमीटर दूर एक कुएं के पास हम बैठते हैं, उधर आता है हमको सिग्नल। इस तरह के रूरल इंडिया में अगर देखेंगे कितने सारे ऐसे चीज है माय डियर फ्रेंड्स, इनको एम्पावर करना जरूरी है, इनको एम्पावर करना जरूरी है। अगर आप देखेंगे इससे पहले जितने सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स आए हैं, उससे पहले इंडिपेंडेंस के बाद जितने सारे कमीशंस कमिटीज को एस्टैब्लिश किया है, उसमें श्रीमली कमिटी, ये कमिटी भी कहता है रूरल एजुकेशन को डेवलप करो, रूरल एजुकेशन को डेवलप करो। ये होता है माय डियर फ्रेंड्स एजुकेशनल टेलीविजन, ज्ञान दर्शन, ज्ञान वाणी। ज्ञान दर्शन टीवी होता है, ज्ञान वाणी रेडियो, फर्स्ट एजुकेशनल एफएम ज्ञान वाणी। देखिए, एंड फ्यू सच एग्जांपल्स वेयर मीडिया इज यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट पीपल, एजुकेट पीपल, गिव प्रॉपर डायरेक्शंस, एजुकेट देम एंड टीच देम बेसिक स्किल्स। दीस बेसिक स्किल्स हेल्प पीपल टू डेवलप देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज वेल एज develop a well-being in the society, harmonic relations in the society, that is very very important. Keeping this in mind, ye hota hai mass media mein media ka role, my dear friends. Agar aap dekhenge, dekhiye, media hota hai the fourth pillar of democracy, the fourth pillar of democracy, to media hona chahiye unbiased hona chahiye, nikspaksh se ये इंफॉर्मेशन को पहुंचाना चाहिए। ये होता है मास मीडिया का रोल सोसाइटी के ऊपर। चलिए, मास मीडिया का मेन फंक्शन क्या है। फर्स्ट वन, प्रोवाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। इंफॉर्मेशन में होता है फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन में होता है स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन में होता है बेसिक मैसेज। देखिए, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, ये इंफॉर्मेशन से समझ सकते हैं कि क्या हुआ है, कितना हुआ है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, प्रूफ्स क्या है। चलिए एक एग्जांपल देखिए, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स के बीच में अगर डिफरेंस पूछेंगे आप, एक इंसिडेंट हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है,
आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो FIR जो फाइल होता है थाने में, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ये फाइल करने के बाद, ये फाइल करने के बाद जो भी फैक्ट्स आपने देखा है उन सबको रजिस्टर करेंगे। जो भी प्रूफ्स आपने कलेक्ट किया है, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किया है या कुछ डिफरेंट डिफरेंट फोरेंसिक्स कलेक्ट किया है, ये सब आप रजिस्टर करवाएंगे प्रोवाइडिंग फैक्ट्स में और स्टैटिस्टिक्स भी बतवाएंगे। यानी इन इंफॉर्मेशन में होता है फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज प्रूफ्स, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये काम होता है मीडिया का, जिसमें स्टैटिस्टिक्स प्रॉपरली हो। एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने में ना होना चाहिए, इट हैज टू बी कंप्लीटली अनबायस्ड, ये होता है एक फंक्शन। चलिए, प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी वी हैव टू एजुकेट पीपल, वी हैव टू एजुकेट। अब कई सारे लोग जब हम ATM जाते हैं, कई सारे लोग पूछते हैं, बड़े फ्रेंड्स ATM का कार्ड लेकर ATM के मशीन के बाहर करते हैं और लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज, थोड़े लोग ऐसे भी हैं, प्लीज हमको ऑपरेट करना नहीं आता है, हमें 1,000 रुपए विथड्रॉ करके दो, हमें 1,000 रुपए ड्रॉ करके दो। इस तरह के लोगों के लिए हम प्रोवाइड करना चाहिए एडुटेनमेंट, इसका मतलब एजुकेशन, इसका मतलब एजुकेशन। चलिए, एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करना चाहिए मीडिया। देखिए, इसके इससे पहले भी हमने थोड़े टॉपिक्स डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था फिल्म डिविजन, सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 हमने डिस्कस किया था, इंफॉर्मेशन विंग, ब्रॉडकास्टिंग विंग एज वेल एज फिल्म डिविजन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, चिल्ड्रंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये सब होता है एडुटेनमेंट के साथ एंटरटेनमेंट भी। चलिए, सोशलाइजिंग पीपल, लोगों को मिलाना, क्रिएटिंग हार्मोनियस रिलेशन, क्रिएटिंग ए वेल बीइंग सोसाइटी, सबका साथ, इसको कहते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इसमें आते हैं मेरे फ्रेंड्स रिकग्निशन, इमेज, सोसाइटी, रिलेशंस, वेल बीइंग, हार्मोनिक पीसफुल रिलेशंस, सब आएंगे सोशलाइजेशन। उसके साथ भी हम करेंगे एम्पावरिंग पीपल। एम्पावरिंग पीपल का मतलब क्या है? वी आर एजुकेटिंग पीपल, जागो ग्राहक जागो, इस तरह के कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स आप देखे होंगे, जागो ग्राहक जागो, इसका मतलब क्या है? यू हैव टू बी एम्पावर्ड, यू हैव टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस एंड एज वेल एज यू नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली विद दैट। उसके बाद हम जाते हैं प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल डिबेट। प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल डिबेट का मतलब क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, अपना जो भी मैनिफेस्टो होता है उनको लोगों तक पहुंचाने में, ये होता है पॉलिटिकल डिबेट। और पॉलिटिकल जो भी फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में ये यूज करते हैं मेरे फ्रेंड्स, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल, प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल डिबेट। ये सब आते हैं फंक्शंस ऑफ मास मीडिया। चलिए जाते हैं मेरे फ्रेंड्स, मास मीडिया के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। देखिए, तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं मेरे फ्रेंड। एक होता है प्रिंट मीडिया, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया राइट नाउ डिजिटलाइजेशन, सोशल मीडिया। मेरे फ्रेंड्स, ये तीन मीडिया होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर हम देखेंगे, पहला वाला है, देखिए वेरियस प्लेटफॉर्म्स, देखिए टेलीविजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनसे हम रीच कर सकते हैं, भेज सकते हैं मैसेज लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनसे हम भेज सकते हैं मैसेज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, न्यूज भी होता है मेरे फ्रेंड्स, डिजिटल न्यूज होता है, ऑनलाइन न्यूज होता है इन द सेम मैनर, ये एक प्लेटफॉर्म है। इंटरनेट से सोशल मीडिया होता है, सैटेलाइट भी टेक्निकल कम्युनिकेशन रीच होता है, मेगाफोन ये एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिनसे भी हम भेज सकते हैं मैसेज टू लार्ज पीपल। लेट अस अज्यूम 5 लोग है तो हम बात करेंगे, चलेगा? 500 लोग है, 5,000 लोग है तो अब यूज करना पड़ेगा इस तरह का मीडियम, मेगाफोन। उसके बाद हम देखेंगे टेलीविजन, टीवी, फिल्म डिविजन, ब्रॉडकास्टिंग, आकाशवाणी एज वेल एज यू कैन सी प्रसार भारती, दूरदर्शन, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स। देखिए,
एक एक फोटो काटेंगे, इसको सर्कुलेट करेंगे, रेडियो भी है मेरे फ्रेंड्स, ये भी एक ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, कैमरा इसके साथ भी हम शूट करेंगे। देखिए इससे पहले हमने जो भी डिस्कस किया था सिनेमाटोग्राफी एक्ट, इसका एक्चुअल रूट है मेरे फ्रेंड्स 1980, जो सिर्फ वॉर वॉर के डॉक्यूमेंट्रीज निकालने के लिए हुआ था, उसके बाद इसको कंप्लीटली इंडियनाइज्ड किया गया 1952। ये होता है वेरियस प्लेटफॉर्म्स मेरे डियर फ्रेंड्स, इस वेरियस प्लेटफॉर्म से हम भेजते हैं मैसेज वेरी वेरी इफेक्टिवली। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे डियर फ्रेंड्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। देखिए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है ये सब, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे ये सब मिल जाएंगे। अब हमें डिस्कस करना होगा इसके बाद का कॉन्सेप्ट, यानी कम्युनिकेशन के ऊपर बिट्स। बढ़िया फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने के बाद हम रेगुलरली आपको भेजेंगे सारे अपडेट्स। इसमें हम भेजेंगे आपको हमारा आने वाला कम्युनिकेशन के ऊपर टॉप बिट्स जो है उसके ऊपर भी भेजेंगे हम आपको अपडेट, दैट विल डेफिनेटली बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच बढ़िया फ्रेंड्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम। तो इधर कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, हमारे प्रीवियस वीडियोस जितने सारे हैं सब वीडियोस आप प्लीज गो थ्रू दोस वीडियोस, प्लीज गिव योर लाइक्स टू दिस वीडियो, प्लीज गिव ए गुड कमेंट टू दिस वीडियो। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड मेनी मोर वीडियोस इन अपकमिंग डेज। दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट, और कई सारे कॉन्सेप्ट्स है मेडियर फ्रेंड्स, और डेप्थ जाना कई सारे डेप्थ कॉन्सेप्ट्स है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर मेडियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम इन वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नजर आता हो तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर क्लिक करके एक फॉर्म फिल कर सकते करके अगर आपके पास प्रूफ हो तो आप दिखा सकते हो मेडियर फ्रेंड्स। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। प्लीज like this video as well as please subscribe to our channel as well as please like and share this video among your friends. Thank you very much my dear friends. Bye all of you. Bye. Bye. Phir milenge ek naya video se. Bye.